हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं सुमित लूथरा, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो बेटा, हम जैसा कि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और इसी सीरीज के अंदर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है नॉमनक्लेचर ऑफ IUPAC, नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो नॉमनक्लेचर है, मतलब उसका नामकरण, तो वो बेटा दो तरीकों से होता है। एक होता है उसका कॉमन सिस्टम और एक होता है उसका IUPAC सिस्टम। जो कॉमन सिस्टम है उसमें हम किसी कंपाउंड का नाम रखते समय बस ये देखते हैं कि उसकी क्वालिटीज क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका कलर, उसका उसकी स्मेल, ऑर्डर कैसी है, उसका सोर्स क्या है जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो इन चीजों को देखकर हम उसका नाम रख देते हैं, तो उसे कहा जाता है कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम जो है बेटा, वो हर जगह पर सिमिलरली अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, जो कॉमन सिस्टम है वो हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि किसी देश में कोई और नाम होगा, किसी दूसरे देश में कोई और नाम होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। इस चीज को दूर करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कुछ रूल्स बनाए, और उस रूल के अनुसार अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड में जो अगर मैं कंपाउंड का नाम बोलूंगा तो उसका स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कहां पर है, कहां पर उसका डबल बॉन्ड होगा, कहां पर कौन सा ग्रुप लगा होगा, उसकी हर चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नॉमनक्लेचर। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो रूल है उसने कुछ हमें रूल्स बताए हुए हैं, और उन्हीं रूल्स को हम बेटा फॉलो करेंगे और उसका नामकरण बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए रूल्स को समझते हैं। तो उसके जो रूल्स हैं बेटा, उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला रूल है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट चेन रूल है उसके अनुसार अगर हमारे पास कोई कार्बन का कंपाउंड है, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हमें उसकी कॉन्टिन्यूसली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना होता है, और वो चेन बेटा कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, उसके बीच में कोई और एटम नहीं आना चाहिए, कार्बन का बॉन्ड कार्बन से ही होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और उस चेन को हम कहते हैं पेरेंट चेन, और जो कार्बन उस पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रांच्ड चेन और सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से हम चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो भाई, जो चेन है उसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, तो ये देखिए, सपोज करो कि आपके पास ये एक कंपाउंड था, तो इस कंपाउंड के अंदर सबसे लंबी जो चेन बन रही है वो बन रही है स्ट्रेट चेन। तो इस स्ट्रेट चेन के अंदर जितने भी कार्बन हैं उसको पेरेंट चेन कहा जाएगा, और जो कार्बन उस चेन के बाहर हैं उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप्स हैं, ये उस जगह पर नहीं है, उस येलो पट्टी के अंदर नहीं है वो, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रेट चेन हम लॉन्गेस्ट ले रहे हैं उसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये फर्स्ट रूल समझ आ गया होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन को आप कैसे लेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा डेमो, उसमें आपको चेन को पकड़ना सिखाया जाएगा। तो देखिए बेटा, एक हमारे पास ये कंपाउंड है, और इस कंपाउंड के अंदर अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है उसका हमें देखना होगा। अगर मैं ये स्ट्रेट चेन लूं तो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो ये 7 कार्बन आ रहे हैं, उसके बाद दो ब्रांचेस बन जाती हैं। तो बेटा एक बात आपको याद रखनी है कि चेन स्ट्रेट ना भी हो तो भी चलेगा, बस वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। अगर मैं इस चेन को 6th कार्बन से नीचे की तरफ ले जाता तो शायद मेरे पास कार्बन की गिनती बढ़ जाती, इसमें तो 7 कार्बन हैं। तो चलिए मैं देखता हूं, इसी कंपाउंड को दोबारा लिखता हूं, और इसी कंपाउंड को जब मैंने दोबारा लिखा तो मैंने चेन कुछ इस तरीके से ली। ठीक है, तो अगर मैंने चेन को इस तरीके से लिया तो यहां पर चेन टूटी नहीं, चेन कॉन्टिन्यूसली कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स बना रही है, और यहां पर कार्बन की कितनी गिनती आ जाती है बेटे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 9 कार्बन हैं, तो इसमें कितने कार्बन है, 9। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो ऊपर वाली चेन हमने सिलेक्ट की थी वो रॉन्ग चेन है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन की संख्या कम है, और जो नीचे वाली चेन है बेटा उसके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है। इसलिए हम करेक्ट चेन किसको मान के चलेंगे, ये जो है हमारे नीचे वाला जिसमें 9 कार्बन आए हैं
दैट इज द करेक्ट चेन, और ये कॉन्टिन्यूस भी है. ओके इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि चेन स्ट्रेट ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ये हमारा मकसद होता है. तो इसमें बेटा रूल टू हम लेकर चलते हैं. रूल टू होता है हमारा कि चेन की नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, बीच में से, कहां से उसकी नंबरिंग शुरू करें, काउंटिंग कहां से शुरू करें. उसके लिए इस रूल का नाम है लोएस्ट नंबर रूल. लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि नंबर्स द कार्बन, नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ द पेरेंट चेन एज 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम दैट एंड विच गिव्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द कैरिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स. मतलब कि जहां से ज्यादा जल्दी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स आए आपको वहां से चेन शुरू करनी होगी. अगर सब्स्टिट्यूएंट लेफ्ट साइड से काउंट करने पर आ रहा है जल्दी तो आपको वहां से चेन शुरू करनी चाहिए. अगर आपको राइट साइड से जल्दी सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो आपको राइट साइड से चेन को नंबर करना शुरू करना होगा. जैसे कि आपके पास ये देखिए एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो चेन है बेटा स्ट्रेट चेन बनेगी हमारी. तो स्ट्रेट चेन के बाद अगर मैं नंबरिंग करूं इसको लेफ्ट साइड से तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये 3, 4 एंड 5. तो हम देख रहे हैं कि जो 2 है वहां पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, यानी कि जल्दी मिल रहा है. अगर मैं चेन को इस तरफ से शुरू करूं 1, 2, 3, 4 और 5 तो मेरे को 4 नंबर पर मिल रहा है. तो इसका मतलब है कि जहां पर हमें जल्दी मिलेगा दोनों के अंदर 5 ही कार्बन है, लेकिन ये जो नीचे वाली नंबरिंग है वो मैंने गलत की है. ठीक है, क्योंकि रूल कहता है कि लोएस्ट नंबर जहां से जल्दी आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वहां से शुरू करिए नंबरिंग को. तो अगर मैं नंबरिंग नीचे से शुरू करता हूं तो वो बेटा एक दिक्कत वाली बात होगी. इसलिए हम ऊपर वाले कंपाउंड की जो तरीका हमने यहां पर यूज किया है उसी मेथड से हम क्या करेंगे इसको नंबरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये हमारा गलत तरीका है और ये हमारा करेक्ट है. ओके रूल थ्री, थर्ड रूल बेटा. आपको दो रूल समझ आ गए होंगे, बड़ा आसान से थे, और ये जो थर्ड रूल है बेटा इसमें आपको मैं बताता हूं कि क्या करना है. सपोज करो कि हमारे पास ये कंपाउंड है और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेट चेन मैंने लॉन्गेस्ट ले ली, और या फिर मैंने चेन ली इस तरह से. तो अब देखिए अगर मैं ऊपर वाले तरीके से चेन को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो चेन मैंने सिलेक्ट की है इसमें 6 कार्बन हैं, और यहां पर जो मैंने चेन सिलेक्ट की वहां पर भी 6 ही कार्बन है. लेकिन अगर मैं ऊपर वाले तरीके से चेन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे. ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, 2 आएंगे, एक आएगा मिथाइल, एक आएगा इथाइल. और अगर मैं नीचे वाले तरीके से शुरू करूंगा तो सिर्फ एक ही मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है. तो मेरे को क्या देखना होता है कि यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ऊपर वाले कंपाउंड में और यहां पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है. तो मेरे को देखना होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर ज्यादा कहां पर है. ठीक है, इसलिए जहां पर ज्यादा होगा मेरे को वो चेन सिलेक्ट करनी चाहिए, बल्कि जिसमें कम होगा वो नहीं करनी होगी. ठीक है, ये मेरा थर्ड रूल है, मेरा नहीं है एक्चुअली, ये आयुपेक नॉमेनक्लेचर का तीसरा रूल है. तो ये 3 रूल बेटा आपको क्लियर हो जाने चाहिए. तो थर्ड रूल क्या कहता है कि इफ चेन ऑफ इक्वल लेंथ आर पॉसिबल सिलेक्ट द वन विद द लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन, यानी कि जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे आपको उस चेन को सिलेक्ट करना होता है. तो ये हमारा बेटा थर्ड रूल बन जाएगा. रूल 4, जो फोर्थ रूल है बेटा उसकी तरफ चलते हैं कि अगर सेम सब्स्टिट्यूट लगे हो एक से ज्यादा बार एक ही चेन में तो आप उसको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा यूज करके उसके नाम के साथ उसको शो कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चेन है, ये तो स्ट्रेट चेन आएगी, इसमें 2 नंबर पर भी लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और 3 नंबर पर भी मिथाइल ग्रुप लगा है. तो ये देखिए सेम ग्रुप हैं दोनों, तो इसलिए इसका नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 2,3 का मतलब है कि 2 नंबर पर भी मिथाइल लगा, 3 नंबर पर भी मिथाइल लगा, इसलिए मैंने उसको डाइमिथाइल बोल दिया. और क्योंकि चेन के अंदर 4 कार्बन थे इसलिए मैंने यहां पर ब्यूटेन लगा दिया, तो इसका नाम बन गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. अब जैसे ये मेरे पास है तो इसमें क्या है कि एक ही पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं बच्चे, यहां पर एक ही पोजीशन पर 2 इथाइल ग्रुप्स लगे हैं. तो पहले मैं इसकी नंबरिंग करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ये इथाइल है और एक ये इथाइल है, तो इसका नाम होगा 3,3, क्योंकि दोनों इथाइल 3 नंबर पर ही लगे हैं. ठीक है, दोनों इथाइल 3 नंबर कार्बन पर हैं, इसलिए इसको मैं बोलूंगा 3,3 डाई इथाइल. देखिए अगर मैं यहां से चेन शुरू करता हूं तो मेरे पास
चार नंबर पर जाके इथाइल ला रहे हैं, इसलिए मेरे को क्या करना चाहिए कि मेरे को 3-3 वाले को पकड़ना चाहिए इंस्टेड ऑफ 4-4, क्योंकि लोएस्ट नंबर रूल हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो 3-3 इज इक्वल टू 6 होता है, 4-4 इज इक्वल टू 8 होता है, और 6 इज लोएस्ट देन 8, इसलिए हमें दोनों का जो सम है वो लोएस्ट पकड़ना होगा। 4-4 वाला सिस्टम गलत है, इसलिए इसको हम गलत मान के चलेंगे, और ये सिस्टम करेक्ट है, तो ये करेक्ट हो गया। तो ये इसका नाम बन गया 3-3 डाइइथाइल हेक्सेन, क्योंकि इस चेन के अंदर 6 कार्बन है। ओके, तो भाई इस तरह से ये रूल्स हैं, सिंपल सिंपल चार रूल्स बेटा आपने कर लिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट रूल। सबसे पहले ये कंपाउंड है हमारे पास, इसको देखते हैं। ये कंपाउंड है बेटा, इस कंपाउंड के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि 1-2, यहां से 2 पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3-4 उसके बाद 5 नंबर पे मिल रहा है। अगर मैं चेन को उल्टा शुरू करूं तो यहां पर देखिए मिथाइल है और यहां पर मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, तो ये बन जाएगा 2-5-5। अगर मैं चेन को उल्टे तरीके से शुरू करूंगा तो ये होगा 1-2-3-4-5 एंड 6, और यहां पर जो रूल का बनेगा क्या बनेगा, 2-2-5 बनेगा। तो आप देखिए कि सम किसका कम है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो यहां पर बन रहा है 2+2+5 यानी कि 9 बन जाएगा, और नीचे बनेगा 2+5+5 12, और हमें पता है कि 9 छोटा है 12 से, इसलिए मैं चेन को राइट साइड से शुरू करूंगा और इसको हम 2-5-5 वाले को रॉन्ग कहेंगे और 2-2-5 को हम करेक्ट मान के चलेंगे। इस तरह से चेन सेलेक्ट की जाती है और इसका नाम बन जाएगा 2-2-5 ट्राइमिथाइल, क्योंकि 3 मिथाइल है टोटल, ट्राइमिथाइल और पेरेंट चेन में है 6 कार्बन, इसलिए हेक्सेन 2-2-5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन इज द करेक्ट नेम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल शुरू करते हैं। इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर लोकेटेड एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही पोजीशन पर हो, एक ही पोजीशन का मतलब लेफ्ट साइड से भी 4 नंबर, राइट साइड से भी 4 नंबर, तो आपको क्या करना होता है कि फ्रॉम द टू एंड्स ऑफ द मेन चेन देन द नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन इन सच ए वे दैट द अल्काइल ग्रुप विच केम कम फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट्स द लोअर नंबर। मतलब कि जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है, सपोज करो एक तरफ लगा है ब्रोमीन, दूसरी तरफ लगा है क्लोरीन, यहां से भी 2 नंबर पर आ रहा है ब्रोमीन और दूसरी साइड से 2 नंबर पर आ रहा है क्लोरीन, तो ब्रोमीन जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम चेन को अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे। ओके, तो जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है। ओके, तो यहां पर मैंने इसको इथाइल और मिथाइल लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेफ्ट साइड से चेन को शुरू करता हूं तो मेरे पास 3 नंबर पर मिथाइल आ रहा है और 4 नंबर पर इथाइल आ रहा है, तो यहां से अगर मैं शुरू करता हूं 3 पर आएगा मिथाइल और 4 पर आएगा इथाइल, लेकिन इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है इन कंपैरिजन टू मिथाइल, तो इसका नाम जो है वो क्या होना चाहिए, इसका नाम अगर मैं इस मेथड से लिखूं तो ये बनता है 4-ethyl-3-methyl-hexane, लेकिन अगर मैं चेन को उल्टा शुरू करूं तो 3-ethyl पहले आना आएगा और 4-methyl बाद में आएगा, तो ये बन जाएगा 3-ethyl-4-methyl-hexane। तो भाई जो ऊपर वाला है वो गलत है, जो नीचे वाला है वो सही है, क्योंकि 3-ethyl और 4-ethyl का झगड़ा है यहां पर, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको छोटा नंबर मिलेगा, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको अगला नंबर मिलेगा। ओके, सो दिस इज द रूल 5। तो भाई आपको चेन सिलेक्ट करना आ गया, नंबरिंग करना आ गया, ग्रुप्स को पकड़ना आ गया, सब कुछ बेटा आपको अभी तक समझ आ चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं, इस चेन को मिटाकर हम सही नाम जो है वो रख लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, देखिए बेटा कई बार क्या होता है कि जैसे ये तो है मिथाइल, ये सिंपल है, ये भी मिथाइल है ये सिंपल है, ये भी मिथाइल है ये सिंपल है, और लेकिन जो ये वाला कंपाउंड है इसके अंदर ये जो ग्रुप लगा, ये जो ब्रांच बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, देखिए नंबर 1, नंबर 2 मैंने इसको कर दिया क्योंकि यहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसके बाद 3-4-5-6-7 और 8। तो देखिए कि इस तरह से ये हमारे पास चेन सिलेक्शन हो गई है। अब ये जो ग्रुप होता है इसके अंदर भी हमें चेन सिलेक्ट करनी होगी अलग से, जैसे कि मैंने ले लिया 1-2-3, और अब ये इसका अलग से नाम क्या बनता है, देखिए ऑक्टेन तो है, ये मेन चेन में ऑक्टेन तो है ही, 2-2-6 ट्राइमिथाइल, ये तो सिंपल हो गया।
अब फोर नंबर पर कौन सा ग्रुप लगा है, चार नंबर पर इस बात की चर्चा होनी चाहिए। तो बेटा ये जो चार नंबर में ग्रुप है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अलग से IUPAC नेम लिखना होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4-1-methyl-propyl, क्योंकि यहां पर तीन कार्बन्स हैं, तो यहां पर 1-methyl-propyl लिखना होगा, तभी ये बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला IUPAC नेम। ओके, तो चलिए अब कुछ रिहर्सल हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हो जाए IUPAC नेम्स की। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, तो बेटा इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, IUPAC नेम करेंगे एलिसाइक्लिक का। तो भाई आपको क्या करना है कि पिछला वाले का बेटा नाम देना है, और ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन तो बेटा यहां पर आ जाएगा 1-methyl-cyclohexane। यहां पर जैसे है हमारे पास, तो मैं इसको नंबर वन दे दूंगा और नंबर टू इसको दे दूंगा, ठीक है। जो इथाइल है वहां से शुरू करेंगे, तो इसका नाम आ जाएगा साइक्लोपेंटेन, तो आएगा ही आएगा, लेकिन वन पर इथाइल है, टू पर मिथाइल है, इसलिए ये इसका नाम बन जाएगा 1-ethyl-2-methyl-cyclopentane। तो भाई इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 1-ethyl-2-2-dimethyl। तो भाई मेरे को चेन कहां से शुरू करनी चाहिए, चेन यहां से शुरू करो, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगे हुए हैं, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे वहीं से मैं चेन को शुरू करूंगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन तो बनेगा ही बनेगा, 2-ethyl-1-1-dimethyl साइक्लोहेक्सेन। दिस इज द सिंपल नेम ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स, अगर ग्रुप्स ज्यादा हो तो कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि जब OH लगा होता है तो ये अल्कोहल होता है, ठीक है, तो अल्कोहल के नाम के साथ क्या लगता है, ओल। ओके, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2-ol-butane, ठीक है, ब्यूटेन 2-ol। ओके, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ऑल लगा हुआ है। अब अगर यहां पर लगा है सीएल, तो आपको पता है कि सीएल इज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम बेटा क्या होगा, ये देखिए दो नंबर पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये 2-chloro, यहां पर हम इसको लिखेंगे 2-chlorobutane, क्योंकि हमें इसको एक प्रीफिक्स की तरह लेना है। अब ऐसे ये हमारे पास नाम नेम है, यहां पर कीटोन ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, दीज आर कीटोन ग्रुप्स, और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ONE, ओन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-4-dione, तो भैया लगेगा ही लगेगा, इसके अलावा पेंटेन लगेगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन के अंदर पांच कार्बन्स हैं। इसी तरह से हमें डबल बॉन्ड्स को भी ध्यान देना होता है, अगर डबल बॉन्ड आएगा तो बेटा उसकी पोजीशन को भी स्पेसिफाई हमें करना होगा, कैसे, 1-2-3-4-5। आप देख रहे हैं कि वन कार्बन पर एक डबल बॉन्ड है और एक थर्ड कार्बन पर है, तो मैं लिखूंगा 1-3-diene, तो आएगा ही आएगा पेंटा, पेंटा 1-3-diene। अब कौन से ग्रुप को प्रीफिक्स बनाना है और कौन से ग्रुप को सफिक्स बनाना है, उसके लिए हमें एक फंक्शनल ग्रुप सीरीज याद करनी होगी, और ये सीरीज बेटा आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है कार्बोक्साइल, उसके बाद एस्टर, फिर अमाइड्स, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन्स, फिर अल्कीन एंड देन अल्काइन्स। तो इस ग्रुप के अनुसार अगर ये मेरे पास CHO आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्यूट, और ये कौन से कार्बन पर है, वन पर, हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप को हम वन नंबर ही मार्क करेंगे, तो ये बन जाएगा ब्यूट टू इन, और एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, ब्यूट टू इनल इसका नाम बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बोक्साइल ग्रुप है COOH, इट इज स्ट्रॉन्गर देन एल्कोहल, हमने भी प्रायोरिटी सीरीज में देखा, तो मैं जो चेन शुरू करूंगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप से करूंगा, तो इसका नाम क्या होगा, जैसे कि सीरीज के अनुसार इसका नाम बनता है प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन कौन सा, 2-hydroxy, क्योंकि 2 को मैं एक प्रीफिक्स के तौर पर यूज करूंगा। अब यहां पर हमें पता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम पहले स्ट्रॉन्गर मान के चलते हैं, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए चेन यहां से शुरू होगी 1-2-3-4-5, और ये बन जाएगा मेरे पास पेंट 1-in-3-ion। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है उसके अंदर क्या होगा भाई, हमारे पास है अमाइन और हाइड्रोक्सी, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी यानी कि OH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अमाइन से, इसलिए चेन लेफ्ट साइड से शुरू होगी 1-2-3-4, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2-ol, तो आएगा ही आएगा, इसके अलावा 2-in भी आएगा, क्योंकि यहां पर दो नंबर पर डबल बॉन्ड है, और 3-amino तो भाई आएगा ही आएगा।
चलिए कुछ सवाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अगर मैं आपसे इस कंपाउंड का नेम पूछूं तो फटाफट से बेटा आपको नाम बताना है। ये आपका टाइम अप होने वाला है, बस सोचिए क्या नाम आएगा इसका। तो इसका नाम आपको मैं डिक्लेयर करता हूं। इसका नाम है, देखिए सीरीज के अनुसार हम इसको वन देंगे, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर और इसको फाइव। तो ये बन जाएगा पेंटानोइक एसिड, तो आएगा ही आएगा। चार नंबर पर कीटो ग्रुप लगा है, इसको हम ऑक्सो बोलते हैं। फोर ऑक्सो या फोर कीटो, जो मर्जी आप बोल सकते हैं, पेंटानोइक एसिड। अगला सवाल है, गिव द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकंड मिलेंगे बेटा आपको इसका नाम लिखने के लिए। तो टाइम अप। तो आपने देखा कि यहां पर एक अल्कीन है और एक अल्कोहल है, तो आपको पता है कि जो अल्कीन होती है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल। तो हम चेन कहां से शुरू करेंगे, देखिए इस तरह से चेन शुरू होगा, ब्यूट वन इन टू ऑल और थ्री मिथाइल। तो चलिए बेटा ये थी आज की हमारी क्लास, और इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म, वो लेकर के एक नई वीडियो बनाएंगे। अगर आपको आयुपैक नेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप इसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम की पिक्स भी बेटा आप डाल सकते हैं ताकि हम इसको सॉल्व करके आपकी हेल्प कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।